भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में भोपाल में ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आदेश देने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने ट्विटर पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाने के मामले में केस दर्ज किया है। साइबर प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने बताया कि ट्विटर पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ के मामले में शिकायत मिलने के बाद ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ धारा 505 के तहत यहां साइबर प्रकोष्ठ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश केसवानी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। केसवानी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता है। केसवानी ने कहा, एक षडयंत्र के तहत ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया गया है। इस कृत्य ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, इसीलिए मैंने ट्विटर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए साइबर अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जिस तरह से ट्विटर बार बार जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, कल तो हद ही तब हो गई जब उन्होंने देश के नक्शे को ही खंडित करके उन्होंने शो किया है। जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, इसको अलग देश बता के उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने का कार्य किया है। आज सद्भावना अधिकार मंच के माध्यम से हम समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे माननीय एसपी साहब से मिले हैं, उनसे निवेदन किया है कि हमारी जनभावनाओं को ठेस पहुँचिए, ट्विटर ने ठेस पहुँचाइए। हम लोग तो जब बचपन से छोटे से तब से ये एक ही नारा कहते हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, तो कैसे उन्होंने ये दुस्साहस किया है? भारत माता की एकता, अखंडता, प्रभुता को जो नष्ट करने का काम ट्विटर ने किया, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ। प्राथमिकी दर्ज होने से कुछ ही घंटे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया था, लंबे समय से देश के विरोध में लगातार कुछ न कुछ चल रहा है, कभी भारत माता के बारे में अनर्गल बोला तो कभी ट्विटर पर देश का गलत नक्शा दिखाना, ये सब गंभीर मसले हैं, इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र और प्रदेश सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। इसके कुछ घंटे के बाद ही पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने मामला दर्ज कर लिया। ट्विटर के बारे में आई भारत के नक्शे के संबंध में और उसको सामाजिक क्षेत्रों में भी तीखी प्रतिक्रिया थी, मुझसे भी कई लोग मिले। आज सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट डाली थी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर विवेचना कर धारा 505/2 का अपराध सीओ जो है मनीष माहेश्वरी जी के बारे में किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।